बहुत बड़े भक्त थे नरसिंह भगवान के। वो जब भी हम लोग जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ध्रुव महाराज जपते थे क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जो ये विश्वक सेन जो व्यक्ति था ये जपते थे ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ऐसे ही जपते थे विश्वक सेन। उनको इतना मतलब नरसिंह देव पर श्रद्धा था कि वो दूसरा नाम जप ही नहीं पाते थे, तो हर समय ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः खाली जपते थे। तो एक बार जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो बीच में जंगल पड़ा, जंगल पड़ा तो वहां पे छोटा सा गांव भी था, कुछ बस्तियां थी, तो वहां पे मुखिया के घर में वो सोचे कि आज रह लेते हैं और कल जाएंगे। तो बेटे विश्वक सेन जो था वो मुखिया के घर में गए, मुखिया के घर में जाके और वहां पे कुछ मांगे रहने के लिए, तो मुखिया को दे दिए रहने के लिए। उस समय बड़ा अच्छा से बात किए, लेकिन रात को मुखिया आके कहता है कि मेरा एक शिवलिंग है, शिव जी का शिवलिंग है, उसका आप सेवा करो, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो मैं आज सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप सेवा करो। तो ये बेचारा इतना नरसिंह देव के बड़े भक्त थे, नरसिंह देव के ही केवल मंत्र जप करते थे, तो शिव जी का ओम ओम नमो शिवाय जप ही नहीं पाते थे। वो कितना चाहते थे प्रयास करने की, ओम नमो शिवाय निकलता ही नहीं था उनके मुंह से, निकलता ही नहीं। तो बोले कि मैं नहीं जप सकता, मैं नहीं पूजा कर सकता, क्योंकि हमको शिव जी को पूजा करने आता ही नहीं, कभी मैंने किया ही नहीं, तो और अपराध हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। तो बोले कुछ करता है कि अभी रात है, तुमको चाकू से अभी मार दूंगा। अब उसको डर लगा कि ठीक है कहते, तो जैसे जैसे प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब बेल पत्र चढ़ाते थे शिव जी पर तो ओम नमः शिवाय न कह के ओम नमो नरसिंहाय कहते, ओम नमः शिवाय न कह के ओम नमो नरसिंहाय कहते, ओम नमः शिवाय निकलता ही नहीं था। ये मुखिया सुन के मुखिया सोचता है कि इतना कहता हूँ फिर भी इसको समझता नहीं आके, और इनको जब भी चाकू ऐसे मारने पर जब गए, इसको चाकू लगा के मार रहे, मारने ही वाले थे, तभी नरसिंह देव भगवान उस शिवलिंग से प्रकट हुए, नरसिंह देव भगवान शिवलिंग से, क्योंकि भगवान तो हर जगह पे है, यतो यामी ततो नरसिंह, हर जगह पे है, तो उस शिवलिंग में भी नरसिंह देव भगवान है, उस शिवलिंग को फाड़ के और अपने भक्त को बचाए।